ये देखिए दोस्तों, रूम से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे सामने की तरफ का व्यू अल्टीमेट। हाय, क्या करोगे पैसों का? चॉकलेट खाना है। कहाँ आ गए हम? लाजवाब, इतनी ऊपर आ गए और सामने आपको वाटरफॉल दिखाई दे रहा है, वहां तक हमें जाना है। हेलो गाइस, अभी मैं गोविंद घाट पे हूँ और गोविंद घाट से मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। और बद्रीनाथ के आसपास जो कुछ भी जगह घूमने के लिए है, देखने के लिए है, आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं बद्रीनाथ के लिए। फाइनली दोस्तों, मैं बद्रीनाथ पहुंच चुका हूँ 1.5 घंटे के सफर के बाद। कुछ रास्ता खराब था, कुछ अच्छा था, और वैसे कोई ऐसा खराब नहीं है, प्लेन्स में चलाने वाला कोई भी चला सकता है। व्यू देखिए चारों तरफ का, बहुत लाजवाब अल्टीमेट व्यू है। पहले यहाँ से मैं जाऊंगा अपने होटल पर, जो मैंने रूम बुक किया है, GMBN का गेस्ट हाउस है उसमें ही, और वहां जाऊंगा। उसके बाद फिर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाऊंगा और उसी गेस्ट हाउस में चलते हैं। चारों तरफ अल्टीमेट व्यू, उधर देखिए बर्फ से लदे हुए पहाड़, क्या बात है भाई। तो ये है यात्री निवास GMBN का, यहाँ पे आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं या ऑन द स्पॉट भी बुकिंग करा सकते हैं। ये है, चलिए चलते हैं ऑफिस में। तो बैग रख दिया हमने और ये इस तरीके का डोरमेट्री है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ GMBN गेस्ट हाउस में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा डोरमेट्री है। इसी में एक हमने अपना भी बैग रख दिया है, एक हमने ले लिया है। तो अब आपको रूम के बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, रूम से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे सामने की तरफ का व्यू अल्टीमेट, लाजवाब। तो दोस्तों होटल में अपना सामान वगैरह रखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ, और वहीं जो गर्म पानी का कुंड है उसमें नहाऊंगा और उसके बाद मंदिर में पूजा करेंगे। उसके बाद आगे का प्रोग्राम जैसे भी रहेगा वो मैं आपको बताता चलूंगा। सामने आप देख सकते हैं ये मंदिर। तो दोस्तों ये है ऊपर जाने का रास्ता मंदिर जाने का, लेकिन हम लोग जा रहे हैं पहले तप्त कुंड, वहां पर पहले स्नान करेंगे। ये है असली तप्त कुंड, लोग स्नान कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो मैं हूं अभी तप्त कुंड पे, पीछे आप मेरे तप्त कुंड देख रहे हैं। यहाँ इसी तरीके का सेटअप है, अगर आपको जूते चप्पल या कपड़े वगैरह रखने हैं तो इस तरीके से भाई बैठे हुए हैं, इनसे संपर्क करिए, इनके रख दीजिए और आप इनसे प्रसाद ले लीजिए। उसके बाद जाइए आराम से स्नान करिए और अपना सामान बाद में लेके प्रसाद लेके मंदिर में दर्शन करने जाइए। तो अभी हमने सामान रख दिया है, अब हम भी जा रहे हैं नहाने के लिए और नहाएंगे और उसके बाद मंदिर के दर्शन। काफी आनंद आ रहा है और तो दोस्तों स्नान करने के बाद तैयार हो गए, अब मैं मंदिर में जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। ये है मुख्य मंदिर बद्री विशाल, ये मंदिर के अंदर इस तरीके से लाइन लगी हुई है और लाइन के द्वारा अंदर जाके दर्शन किया जाएगा। काफी बड़ा कॉरिडोर है मंदिर का अंदर, ये देखिए। तो दोस्तों मंदिर में दर्शन करके आए हैं, दर्शन बहुत अच्छे हुए, ज्यादा भीड़ तो थी नहीं आज, दोपहर का टाइम है और काफी अच्छा लगा यहाँ पे। आप भी आइए तो ऊपर तक बस ही आती है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो अब यहाँ से चलते हैं माना गांव की तरफ और वहां का नाम भी एक जगह है, वहां भी चलेंगे। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, अब से आपको वहां माना गांव जाने के लिए टैक्सी वगैरह मिलती है। माना के लिए जा रहा हूँ, एक भाई हमें मिले हैं यहाँ पे बद्रीनाथ में और ये जा रहे थे माना के लिए, तो हमने इनसे लिफ्ट मांग ली। क्या नाम है भैया? अरविंद भट्ट। दोस्तों आप मेरे सामने ये देख सकते हैं, ये जो पूरा है माना गांव है। तो दोस्तों मैं भारत के आखिरी गांव माना में आज, कितनी गाड़ियां हैं, लगता है बद्रीनाथ का पूरा रस इधर ही आ गया है, बहुत ज्यादा भीड़ है। भारत के अंतिम गांव माना में आपका स्वागत है। गांव में ही मार्केट बन गया है, हर दुकान पे आपको कुछ न कुछ चीज मिल जाएगी खरीदने के लिए।
हाय, क्या करोगे पैसों का? चॉकलेट खाना है। चलिए ले लीजिए, अभी देते। तो दोस्तों कितने क्यूट क्यूट बच्चे हैं। ये देखिए दोस्तों, खाने पीने के लिए माना गांव में काफी ऑप्शंस हैं। छोटा मोटा रेस्टोरेंट टाइप का बना रखा है। ये कितनी भीड़ है यहाँ पे, लोग काफी हैं यहाँ, बढ़िया जगह है। तो दोस्तों हम भारत के लास्ट गांव में हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा हमें लग नहीं रहा है कि हम लास्ट गांव में, क्योंकि यहाँ पे भी जीवन यापन के लिए जो सुविधाएं चाहिए आसानी से मिल रही है। ये पहुंचने वाले हैं भीमपुर पे, पास में ही, ज्यादा दूर है नहीं है, गांव से 300 मीटर ही आगे है। ये है भीमशिला। ऐसा माना जाता है कि भीम ने स्वर्ग जाने के लिए इस शिला को अपने हाथों से यहाँ रखा था और इस पुल को पार किया था। और ये एक मंदिर, सरस्वती जी का मंदिर बनना है, जो अभी निर्माणाधीन है, अभी बन नहीं पाया है पूरी तरीके से। ये हैं हिंदुस्तान की अंतिम कुछ दुकानें। आप कह रहे हैं कि ये लास्ट है कि वो लास्ट है, अब जो भी लास्ट हो इसमें से, लेकिन यहाँ से आगे दुकानें थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम यहाँ से बसधारा, और ये बसधारा जाने के लिए रास्ता है। तो भाई बसधारा जा रहे हैं, अभी 500 मीटर आए होंगे ऊपर, भाई मिल गए, उड़ीसा से आए हैं। तो जाने की कह रहे थे कि जाए ना जाए, मैंने कहा आए हो तो चलो चलते ही हैं। क्या नाम भैया? देवाशीष। और भैया? शमशेर। शमशेर पूरा पत्थर से उन्होंने बना दिया है, 3.5-4 फीट चौड़ा रास्ता है, और वो देखिए वहां तक, उससे भी आगे जाना है हमें, लेकिन व्यूज तो अल्टीमेट है। बर्फ भी दिखाई दे रही होगी शायद आपको वहां, 2-4 बूंदें भी पड़ने लगी हैं अब यहाँ पे, तो अब जो भी होगा देखा जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर आने के बाद दोस्तों रास्ता ये बिल्कुल पथरीला हो जाता है, केवल एक जगह दिखाई दे रही है कि हाँ ये रास्ता है नहीं। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा था आगे, सामने देखिए उधर, यहाँ पूरे में बारिश हो रही है, बहुत तगड़ी, बहुत तेज बारिश। अभी शायद हो सकता है इधर हम जाएं, इधर ना मिले, लेकिन रेनकोट हम लेके नहीं आए, पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है। आधा रास्ता हो गया कम्प्लीट, लगभग हम 2.5 किलोमीटर आ गए हैं। थोड़ा सा सांस तो फूल रही है, लेकिन इतनी भी नहीं फूल रही है जितनी हेमकुंड पे फूल रही थी। तो मौसम काफी ठंडा है, जैकेट पहने उसके बाद भी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। ये भाई वेस्ट बंगाल से आए हैं, तो इनके साथ के और लोग आगे निकलेंगे, भाई हमारे साथ रह गए, तो अभी चलेंगे थोड़ी देर बैठने के बाद। बहुत बढ़िया जगह, ये देखिए जहाँ हम बैठे हमारे सामने भाई लाजवाब व्यू है। ऊपर शायद स्नोफॉल हो रहा है अभी भी। उधर देखिए दोस्तों, शायद आप देख पा रहे हो वहां पे जो सफेद सफेद से आपको दिखाई दे रहे ना, ये पत्थर नहीं है, ये यहाँ पे भेड़े हैं, और इनके साथ इनके मालिक भी हैं, वो भी भेड़ों जैसे ही लग रहे हैं, वो भी दिखाई नहीं दे रहे, उतने ही बड़े लग रहे हैं। वहां दो लोग खड़े हुए हैं, शायद आप देख पा रहे हो। ये देखिए शांति से बैठा हुआ है, किसी से कोई मतलब नहीं, बस नजर बनाए हुए नीचे की तरफ। चलिए आगे चलते हैं, यहां से तो निकलना भी थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। ये देखिए उतर सकते हैं यहां से, थोड़ा संभाल के उतरते हैं। कहां आ गए हम, लाजवाब। क्रॉसिंग किया था दोस्तों, इसके बाद चलिए ऊपर चलते हैं। देखिए माता जी भी आई हैं, जय बद्री विशाल। इतनी ऊपर आ गए और सामने आपको वाटरफॉल दिखाई दे रहा है, वहां तक हमें जाना है। देखिए दोस्तों कुछ भाई लोग आए हैं, अपना नाम लिख के गए यहाँ पे, बढ़िया ये भी यादगार होता है। आओ दोस्तों, जो रास्ते अभी तक काफी लंबे चौड़े थे अब पगडंडियों में बदल गए हैं। तो दोस्तों चलते चलते लगभग हम अपनी मंजिल पे पहुंच ही गए। ये है बसधारा फॉल, तो अभी बिल्कुल इसके पास में जाएंगे, आपको दिखाएंगे। और हमारा प्यारा झंडा यहाँ पे भी फहरा रहा है। तो हम लोग लगभग सभी लोग पहुंच ही चुके हैं, कुछ थकान हुई, पानी वानी था वो काम चल गया, लेकिन पूरी यात्रा अच्छी रही। पीछे देखिए ये है बसधारा।
अभी पीछे चलेंगे और पास से आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये है पहुंचने की खुशी, हम लोग बसदा वाटरफॉल पहुंच गए हैं। और ये देखिए मेरे पीछे, ये है बसदा वाटरफॉल। ये देखिए, ये 200 फीट लग रहा है मेरे को, इसे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ का वेदर इतना औसम है कि आपको बता नहीं सकता, केवल फील कर सकता हूँ। मजा आ रहा है। आप भी जब भी बद्रीनाथ आए, माना आए घूमने, तो ये 5 किलोमीटर ऊपर बसदा वाटरफॉल जरूर आइए, आपका ट्रिप और भी ज्यादा इंजॉयफुल हो जाएगा, मजा आ जाएगा। दोस्तों ये था बसदा वाटरफॉल। आई होप आपने ये ट्रिप एंजॉय की होगी, आपको मजा आया होगा। और अगर आपने एंजॉय किया हो, आपको मजा आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे फिर ऐसे किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल।